सीटें मिल रही हैं और मध्य प्रदेश से जो नतीजे आ रहे हैं वो तो बेहद चौंकाने वाले हैं। लोगों ने अंदाजा लगाया था कि इस बार सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की, लेकिन सिर्फ एक सीट कहा जा रहा है कि सिर्फ अभी छिंदवाड़ा है जहां तक लहर पहुंची हुई दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सब लहर की आगोश में आने का है। जल्दी से रिएक्शन। नकुलनाथ के बारे में कमलनाथ ने यही कहा था कि इनके कपड़े फाड़ दीजिएगा, जूते मार दीजिएगा अगर काम ना करे तो। सिंधिया 50,000 वोट से पीछे हो गए, वो हारने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश, देखिए मैं बराबर कह रहा था कि मध्य प्रदेश राज्य हिंदी भाषी राज्यों में रिपीट होने जा रहा है, वही पुराना 2014 वाला, लेकिन इस तरह से इतना कमलनाथ ने अपने आप को 15 सीटें देने की बात की। राजस्थान की बात बिल्कुल जनवरी से ही नजर आने लगा था कि राजस्थान में ट्रेंड चेंज हो रहा है। निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि सचिन पायलट को प्रोजेक्ट किया गया था, मुख्यमंत्री बदला गया, तो निश्चित तौर पे जो गुर्जर मतदाता है बिल्कुल टर्न डाउन हुआ है और उसके कारण जो पूर्वी राजस्थान है पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस से छिन गया। नहीं, देखिए मैं और उसका बड़ा असर विधानसभा चुनाव में, उससे पहले कि विकास जी का रुख करें, रविशंकर प्रसाद इस बीच क्या कह रहे हैं आइए वो सुन लें। अब तो कोई नहीं बचे ना। अधिक बड़े मत से लीड कर रहा हूं, इसलिए मैं औपचारिक तो जनता को प्रणाम करूंगा अंतिम निर्णय आने के बाद, लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि पटना साहब की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रभावी प्रामाणिक रूप से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और आज जो पटना साहब की हवा है वही हवा मेरे प्रदेश बिहार की भी है और वही हवा पूरे देश की है। ऐतिहासिक रूप से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा एनडीए की विजय हो रही है। मैंने अपने चुनाव का मुद्दा पटना साहिब में रखा था, आशा बनाम अवसरवाद, और शायद पूरा देश एक तरफ अवसरवादी महागठबंधन था और एक तरफ आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका। जगन मोहन की पार्टी को वो फिगर मिल गया जो सरकार बनाने के लिए वहां आवश्यक है और चंद्रबाबू नायडू के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। वो केंद्र में अपनी भूमिका तलाशने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे और जहां उनको कुछ मिला हुआ था वही अब हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल आंध्र के स्पेशल स्टेटस का दर्जे के ऊपर मामला फंसता हुआ नजर आया, लेकिन वो मुझे लगता है नायडू साहब पहले भाग गए थे और कांग्रेस के लिए भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। लूजिंग जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं बनाया। उन्होंने कहा चलो राज्य में दर्जा दे दीजिए, वो नहीं दिया। उमा खान जी, कहीं ना कहीं एक के बाद एक बैड डिसीजन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखिए ये मैं ठीक है, देखिए दक्षिण की राजनीति का एक मिजाज है कि जब सुपड़ा साफ होता है तो एक साथ होता है, बड़ी इमोशनल राजनीति है, हमने वहां चुनाव कवर किए हैं, और जब किसी को सर पे उठाया जाता है तो इतना ज्यादा सर पे उठा दिया जाता है। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही हुआ। उनके राजनीतिक जीवन में जब से उन्होंने अपने ससुर एनटी रामा राव की राजनीतिक विरासत को अपने हाथ में लिया, तब से पहली बार इतना बड़ा सेटबैक उनको लगा है। वो एक बड़े छत्रप माने जाते थे केंद्र की राजनीति में भी, अपोजिशन के कि वो अपोजिशन को लामबंद करेंगे। उमाकांत साहब, ये सेटबैक ऐसा वैसा नहीं है, ये भी रेखांकित करना पड़ेगा कि उनको अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन 16.5% सीटें भी नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि सुपड़ा साफ हो गया है और उनका न केवल विधानसभा और उड़ीसा से जो खबर आ रही है पांचवी बार नवीन पटनायक बन रहे हैं लोकसभा में भी उनकी शर्मनाक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा में पांचवी बार नवीन पटनायक की सरकार, बीजू जनता दल वहां पर, और मुझे लगता है ये एक तरह का इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स, पांचवी बार नवीन पटनायक की सरकार है। लगातार 2001 के बाद से ही अगर एंटी इनकम्बेंसी को जिस तरह का गरीब राज्य है वो ब्रेक करते आए हैं बीजेडी के नवीन पटनायक, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अरे 30 सेकंड का और इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं, टैली आपके सामने है, फौरन हाजिर होते हैं। सबका विकास की बात करता हूं, मोदी है तो मुमकिन है।